नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। पाम तेल की सीरीज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पाम तेल को लेकर भारत और मलेशिया के बीच किस तरह का रिश्ता है, किस तरह का व्यापार है, क्योंकि भारत के लिए पाम तेल की सप्लाई के लिहाज से मलेशिया जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी मलेशिया के लिए भारत का मार्केट है, क्योंकि मलेशिया के पाम तेल का सबसे बड़ा बाज़ार भारत है। मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट मलेशिया पाम तेल का भारत को करता है। पिछले साल करीब करीब 30 लाख टन का एक्सपोर्ट मलेशिया ने भारत में किया है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, जो सीड सप्लाई है, उसको लेकर के भी दोनों देशों के रिश्ते बेहद अहम हैं। इस पर बारीक बातें इस एपिसोड में। Because India is the largest import destination of Malaysian palm oil. So what measures would Malaysia take to sustain this position? Okay, India is a very important market. And certainly there's a lot of things that we do with India. One, we make sure that even though sustainability is not yet the issue, but we have to get prepared one day, you need that sustainability. That's why we screen all the anything that goes to India. We make sure that they get a quality product, competitive price, and then we make sure that, you know, we continue to do engagement with all the buyers in India. हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मलेशिया का इंडिया के साथ जो बिजनेस रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ पाम ऑयल, वो किस तरह से आगे डेवलप होगा, उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बलविंदर श्रॉन हैं, जो कि सीईओ हैं मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल की। तो डू यू हैव एनी प्रोग्राम फॉर इंडियन मार्केट, इंडियन प्लेयर्स, इंडियन कल्टिवेटर फॉर सस्टेनेबल पाम ऑयल प्लांटेशन एंड इम्पोर्ट एंड ऑल? देयर्स बीन अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द plantations, I mean the new plantations that are being developed in India, some of the states, to get a lot more R&D, the know-how, to even obtain the seedlings from Malaysia. And that is an area that I certainly see we can collaborate. But the next area that is important is R&D in new food formulations. Because India itself is a very unique market culturally, your food intake or the food aspects, you know, itself, it's different. So I feel there is an opportunity for us to work with your technical people from India and from Malaysia to work together to see how we can use palm oil to create more different varieties of formulations that can be used in your food manufacturing sector. Not only that, even in your oleochemical sector. अब जरा सोचिए, मलेशिया जिस देश को अकेले 30 लाख टन का पाम तेल का एक्सपोर्ट कर देता है, वो देश मलेशिया के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की, और मलेशिया ने एक साल में ही करीब करीब 30 लाख टन का एक्सपोर्ट भारत को किया है। तो उस लिहाज से भारत का मार्केट मलेशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मलेशिया भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हम बड़ी मात्रा में पाम तेल खरीदते हैं। तो मलेशिया से पाम तेल की कहानी बताते बताते हम पहुंच चुके हैं इंडिया। यहाँ पर हम बात करेंगे बड़े स्टेक होल्डर से, बड़े जानकार से, और उनसे समझेंगे भारत में पाम तेल की पूरी कहानी है क्या। मलेशिया से शुरू हुई ये कहानी अब इंडिया पहुंची है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर जो पाम तेल के बारे में कहा जाता है उसमें कितनी सच्चाई है, और उसको लेकर के मिथ क्या है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर गौतम भंसाली। आप जरा बताएं, पाम तेल को लेकर एक धारणा मन में ये होती है कि शायद ये हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना बाकी ऑयल, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाम ऑयल आज की तारीख में लगभग हर घर में यूज किया जाता है, स्पेशली हमारी कंट्री के अंदर। और हम लोग रिकमेंड भी करते हैं कई बार पेशेंट्स को डाइट के तौर पर। पाम ऑयल जो है वो हेल्थ के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, हार्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है, ब्रेन के हिसाब से बहुत अच्छा है, विटामिन ए डेफिशिएंसी को क्योर करने में हेल्प करता है, विटामिन ई इसके अंदर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ब्रेन फंक्शन को, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, उसके अंदर बहुत हेल्प करता है। तो डेफिनेटली पाम ऑयल के बहुत सारे फायदे हैं। हम पहुँच चुके हैं SEA के दफ्तर में, मुंबई स्थित SEA यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि 60 साल से ज़्यादा पुरानी संस्था है, और बड़े इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, ऑयल के प्लेयर, मिलर सब इसके मेंबर हैं। देश भर में करीब करीब 700 मेंबर हैं SEA के। तो SEA के दफ्तर में पहुंचे हैं, और यहां पर हम एक्सपर्ट से ये समझेंगे कि पाम तेल को लेकर इंडिया की कहानी आखिर है क्या। तो मेरा पहला सवाल इंडिया स्टोरी में आपसे ये होगा कि भारत पाम तेल का कितना बड़ा बाज़ार है,
और पाम तेल इंडियन कंज्यूमर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मृत्युंजय जी, इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जी ने और ख़ासकर आपने जो पहल की है और जो दो सीरीज मैंने अभी देखी हैं, बहुत सारी जो मिथ थे पाम के बारे में आप लोगों ने वो काफ़ी डेमोलिश किए हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। पाम के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ रहे हैं और उसको डीबंक करना मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। आपकी बात का मैं जवाब दूँ, हिंदुस्तान तकरीबन 25 मिलियन टन तेल खाता है आज की तारीख में। उस 25 मिलियन में रफली अबाउट 9 मिलियन टन हिंदुस्तान में पाम होता है और बैलेंस जो है 6 मिलियन टन वो सोया और सनफ्लावर होते हैं। तो इसी से आप समझ जाएंगे कि पाम की अहमियत हिंदुस्तान के कंटेक्स में कितनी ज़्यादा है। और मैं तो इतना तक कहूँगा कि अगर पाम ना होता तो आज हो सकता है कि हम लोगों को 300-300 रुपए किलो का तेल खाना पड़ता। अच्छा, ये आप समझिए, मतलब ये मतलब हेडलाइन इसमें ये है, अतुल जी जो कह रहे हैं अपने अनुभव के आधार पे, अगर पाम तेल का हम इंपोर्ट नहीं कर रहे होते या पाम तेल अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे होते हम, तो आज जो ऑयल आप 100-150 रुपये किलो खरीदते हैं, आपको 300 रुपये प्रति लीटर तक भी तेल खरीदना पड़ सकता था। इस सीरीज़ की अहमियत आप इस बात से लगा सकते हैं। अब देखिए, पाम को लेकर बड़ा डिबेट भी है ग्लोबली ये डिबेट है कि बहुत पाम के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि पाम जो है वो डिफॉरेस्टेशन का एक बड़ा आरोप लगाया जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये हेल्थ हज़ार्ड है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है पाम तेल, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं, इस तरह के आरोप लगते हैं। इन आरोपों पर आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या आपको लगता है कि ये पाम तेल के खिलाफ ग्लोबली कोई बड़ी साजिश चल रही है? डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंपेटिटिव तकलीफें तो हैं बिटवीन सोया एंड पाम। तो मलेशिया में अगर आप प्लेन से उतरिए तो आप या प्लेन में हवा से देखिए तो चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई देती है पाम के प्लांटेशंस। वो तो फॉरेस्ट ही है ना, प्रैक्टिकली फॉरेस्ट है। अगर आप ब्राज़ील या अर्जेंटीना जाइए तो वहाँ केवल सोयाबीन दिखाई देता है, उसके तो पेड़ होते नहीं, वो तो छोटे छोटे वो होते हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि पाम के प्लांटेशंस डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देते हैं। ओके, अगर मतलब मैं तो एक ही बात आपके साथ कहना चाहूँगा कि पाम का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना वो पाम खुद है। कैसे? वो इस तरह से कि आज की तारीख में कोई भी ऐसा ऑयल सीड नहीं है जो मिनिमम 4 टन पर हेक्टेयर आपको यील्ड दे। अगर आप सोया से कंपेयर करिए, सोया की यील्ड है मुश्किल से 0.5 टन। बिल्कुल, तो कितनी आप ज़मीन इस्तेमाल करेंगे हिंदुस्तान को फीड करने के लिए? मतलब आप कह रहे हैं कि ज़्यादा यील्ड होना अभिशाप बन रहा है पाम के लिए? एब्सोल्युटली। तो इंडियन मार्केट में पाम तेल के कंजम्पशन और पाम के प्लांटेशन को लेकर कितना पोटेंशियल है, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं SEAKED यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर बीबी मेहता। उनसे हम समझेंगे पाम की इंडिया की कहानी। डॉक्टर मेहता, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, चूँकि हम पाम का इम्पोर्ट तो करते ही हैं पाम ऑयल का, लेकिन साथ साथ हमने पाम प्लांटेशन को लेकर के भी अपनी एक योजना बनाई है, तो आप जरा हमारे ऑडियंस को ये अपडेट करें कि भारत में पाम की खेती को लेकर कितनी प्रगति हुई है, हमारा मिशन क्या है, हमारा टारगेट क्या है। देखिए, लास्ट 40 साल से गवर्नमेंट ऑयल पाम को डेवलप करने का प्रयत्न कर रही थी। सबसे पहला रिपोर्ट 1979 में जद्दा कमेटी ने दिया था, तभी उन्होंने बताया था अबाउट 1.9 मिलियन हेक्टर 19 लाख हेक्टर ऑयल पाम के सूटेबल है, मगर उसका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो चला। और जब ही अभी इम्पोर्ट बढ़ गया लास्ट 10-15 साल में, तभी गवर्नमेंट को चिंतित होने लगी कि भाई कहाँ तक हम इम्पोर्ट करते रहेंगे, अपना खुद का ऑयल पाम डेवलप करना चाहिए। उसके बाद भी थोड़ा प्रोग्रेस हुआ और लास्ट 5 साल में काफ़ी बदलाव आया है। जो 3 लाख हेक्टर जो पहले थे 5-6 साल पहले, अभी लगभग 4.5 लाख हेक्टर ऑयल पाम की खेती में है। राइट। अब एक चीज़ और सर, जब हम पाम की खेती करते हैं तो उसमें सीड का बड़ा रोल होता है कि आप कौन सी सीड इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, उस लिहाज से मलेशिया हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है सीड इम्पोर्ट के लिहाज से, अगर हम वहाँ से करते हैं
तो उस दृष्टिकोण से मलेशिया हमारे लिए कितना बड़ा बाजार है। मलेशिया आज 100 साल से पाम की खेती करते, काफ़ी रिसर्च ही है उससे, उसके बाद अच्छे बीज भी है और जो पौधा बोला जाता है वो भी है। अगर मलेशिया इंडिया को वो जो बीज और थोड़ी टेक्नोलॉजी दे तो डेफिनेटली जो भी प्रोग्रेस है स्लो है और तेज़ी से हो सकता है, जिसके लिए मलेशिया काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बेशक क्रूड पाम तेल हम वहाँ से ख़रीदते हैं लेकिन रिफाइनिंग की कैपेसिटी हमारी बहुत अच्छी है, इसको लेकर ज़रा कुछ अगर आप और बता पाएँ कि पाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी रिफाइनिंग की इंडस्ट्री है वो कितनी मजबूत है और उसमें कितनी गुंजाइश है। देखिए अगर हम आज इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल एंड क्रूड सोयाबीन इम्पोर्ट करते हैं और सब मिला के तो उसे कम से कम 13 मिलियन तक हर साल इम्पोर्ट करते हैं, 2 मिलियन टन आरबीडी ऑयल इम्पोर्ट करते हैं और हमारे पास कैपेसिटी है 30 मिलियन से ज़्यादा है, तो काफ़ी कैपेसिटी है। अगर हम ऑयल पाम को बढ़ावा दें तो जितनी कैपेसिटी है उसे इतनी कैपेसिटी हमारे पास है, कोई तकलीफ नहीं है। हमारे साथ हैं पतंजलि फूड्स के CEO संजीव अस्थाना साहब। भारत में पाम ऑयल मिशन है कि पाम का उत्पादन बढ़ाया जाए, तो उस लिहाज से क्या आपको लगता है कि भारत और मलेशिया का जो पाम तेल का रिश्ता है और बेहतर होना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से? अवश्य होना चाहिए और जैसा आपको मालूम है मृत्युंजय जी कि वो मलेशिया में पाम का जो एडिशनल प्लांटेशन हैं वो कम हो चुके हैं, तो मतलब कोई एडिशनल प्लांटेशन अब हो नहीं रहा, अब उनका फोकस है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, बेटर वेराइटीज़ के ऊपर। तो भारत की निर्भरता मलेशियन इम्पोर्ट्स के ऊपर तो बहुत है ही है, लेकिन मैं एक और चीज़ साथ में आपको बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों का एक टेक्नोलॉजी पार्टिसिपेशन के साथ में उनके जो लर्निंग्स हुए हैं कि जैसे उन्होंने पाम प्लांटेशन को ग्रो किया जो कि सबसे साइंटिफिक बेसिस पर उन्होंने किया है, सीड गार्डन बनाने के लिए कि उसमें ना कि सिर्फ इम्पोर्ट करें बल्कि इंडिया में स्प्राउट्स को हम प्रोड्यूस कर सकें, उनके जो साइंस में उन्होंने एवोल्यूशन किया है, भारत और मलेशिया के बीच में कॉपरेशन का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और दोनों देशों को उनके प्राइवेट सेक्टर्स को उनके कंपनीज़ को आपस में बात करके इस प्रकार से उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए मलेशिया एक बहुत अहम भूमिका अदा कर सकता है इंडिया के पाम ऑयल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में। आप लोग भी पाम प्लांटेशन में हैं, किस रफ्तार से हमारा पाम प्लांटेशन बढ़ रहा है? हमारा देखिए अभी हमारा 75,000 हेक्टेयर में प्लांटेड है, इस साल हम लोग 40,000 हेक्टेयर में करेंगे, अगले साल 1,25,000 हेक्टेयर में करेंगे, तो हमारा पेस जो प्लांटिंग का है वो बहुत है। हम लोगों के पास करीब 1.5 करोड़ सीडलिंग्स हैं जो कि 40 नर्सरीज में भारत में सब जगह लगे हुए हैं। हम लोग के नए प्रोसेसिंग यूनिट्स आ रहे हैं, जैसे निगलोक अरुणाचल प्रदेश में आ गया है, मिज़ोरम में हमारा अगले मार्च तक हमारा नया प्लांट आ जाएगा, उसके अलावा हमारा तेलंगाना में हम लोग नालगोंडा और सूर्यपेट के बीच में एक प्लांट, बड़ा प्लांट लगा रहे हैं। हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन करके विशाखापट्टनम में नया प्लांट लगा रहे हैं, पेद्दापुरम अम्बापुर में हमारी बहुत बड़ी यूनिट्स हैं, तो हम लोग का तो एक्सपेंशन एक बहुत फास्ट पेस पे चल रहा है और बाकी कंपनियां भी अपने स्थिति के हिसाब से अपना अपना एक्सपेंशन कर रही हैं। तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जो भारत सरकार का एक लक्ष्य था कि 6.5 लाख हेक्टेयर को बढ़ा के 8.5 लाख हेक्टेयर तक का करना है, वो 5 साल में पूरी योजना पूरी हो जाएगी और भारत को एक इम्पोर्ट डिपेंडेंस में एक सपोर्ट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा पाम प्लांटेशन का एक्सपेंशन। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ हैं इमामी एग्रोटेक के CEO और साथ ही IVPA इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई। सुधाकर जी बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और हमने बहुत बड़ी सीरीज की है पाम तेल के ऊपर, अब हम ये जानना चाहते हैं कि इंडिया स्टोरी पाम तेल की है क्या, तो आप जरा हमें बताइए कि मलेशियन पाम के लिए इंडिया कितना बड़ा मार्केट है, कितना इम्पोर्टेंट मार्केट है? यस यस, इन जनरल पाम ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन मार्केट। आप देखिए इम्पोर्ट कंजम्पशन अगर 17 मिलियन टन्स का इम्पोर्ट्स है, उसमें करीब करीब 10 मिलियन टन्स ऑलमोस्ट 56% पाम का इम्पोर्ट होता है और उसमें मलेशिया का इम्पोर्ट शेयर शुड बी अबाउट 40%, समटाइम्स 45%। सो एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कंजम्पशन, इंडिया का टोटल कंजम्पशन 25 मिलियन टन्स में पाम ऑयल कंजम्पशन वुड बी अबाउट 35%, एंड इट इज़ वाइडली यूज इन हरेका, इन द स्वीट मेकिंग इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन द रूरल हाउस होल्ड्स एंड इन सर्टन स्टेट्स वी हैव फाउंड दैट इट इज़ अ बिग हाउस होल्ड्स आइटम इन द कंजम्पशन। ओके,
अब जरा ये बताइए कि चूंकि आपने कहा कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है पाम तेल का, मलेशिया से भी हम बहुत बड़ी मात्रा में पाम तेल का इंपोर्ट करते हैं, तो भारत और मलेशिया के बीच पाम तेल का रिश्ता और कैसे मजबूत हो सकता है ताकि हमारा इंपोर्ट भी स्मूथ चलता रहे और हम मलेशिया में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, उसका फ़ायदा उठा पाए। यस, तो पाम ऑयल इंडस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वैल्यू एडिशन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स लाइक स्टेरिन, PFAD। तो इन सारी चीज़ों में मलेशिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी आगे है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है इन द रिसेंट मीटिंग्स विद द मलेशियन डेलीगेशन कि MPOB कैन ऑल्सो सेटअप सम काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्री टू टेक अप सॉल्यूशन ओरिएंटेड इश्यूज रिगार्डिंग आइदर द प्रोसेस और द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड ऑल्सो वी आर अवेयर एज IVPA वी हैड मेड MOU विद अर्लियर इन द पास्ट विद Malaysian Sustainable Palm Oil Association so that we can educate the Indian markets about the sustainability efforts that Malaysia has been taking. And the third thing is that first of all, thanks to Malaysia, during the Indonesian ban, Malaysia has actually kept a very stable policy towards India, which has made easy to import palm oil from Malaysia without actually making too many changes in the policy. So the business between Malaysia and India has been, of course, centuries old. But in case of palm oil, I think the relationship is more than just a seller and buyer. So hum regular interaction hota hai with Malaysian delegations. So we discuss not only with the suppliers but also with the various associations of Malaysia. IVPA भी पाम को काफ़ी प्रमोट कर रहा है। मैं तेलंगाना में था आपके कार्यक्रम में, वहाँ पर भी आपने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ पाम पे बात की थी। यहाँ पर भी पाम को लेकर बहुत सारे इनिशिएटिव आपने लिए हैं, वो इनिशिएटिव क्या हैं और वो ग्राउंड पर कितना इंप्लीमेंट होता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, हम लोग तो एज ए इंडस्ट्री बॉडी वी वुड लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल्सो वन ऑफ IVPA's मोटो इज ऑल्सो टू वर्क सीमलेसली विद द गवर्नमेंट। सो इफ द स्टेट गवर्नमेंट इन्वाइट्स अस टू से दैट प्लीज प्रमोट अवर concept and encourage all your members to take up plantation so that we want to encourage and make our members do that. Bharat mein palm tail ka plantation bhi hota hai aur us palm tail ke plantation mein Godrej Agrovet ek bada player hai jo palm ka plantation karta hai aur is waqt hamare sath baat karne ke liye oil palm business Godrej Agrovet ke CEO hamare sath hai Saugata Niyogi sahab. Bharat mein palm tail ke plantation ka palm plantation ka कितना स्कोप है, कितना पोटेंशियल है, आप खुद पाम प्लांटेशन में हैं, तो आप जरा बताएं क्या ग्राउंड पर आप फील कर पा रहे हैं और क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है? पाम खेती में हम लगभग 30 साल से हैं, 91 से हमारा पहला शुरू हुआ था गोवा से, बट मेजर आज के डेट में जो खेती है वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में हो रहा है और उसके बाद तेलंगाना एक नई रफ्तार पकड़ा है। 2021 में जो भारत सरकार का पॉलिसी आया, नया स्कीम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम, जिसमें 11,800 करोड़ रुपए की प्रोविजन किया गया है, उसके बाद मुझे लगता है कि काफ़ी सारे तेज़ी आया है और कई नए स्टेट इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया है और आज के डेट में 28 लाख हेक्टर पोटेंशियल लैंड भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किया है। तो अभी आज के डेट में 4 लाख हेक्टर ही खेती हो रहा है और सरकार ने एक इंटरमीडिएट टारगेट लिया है कि 2027 तक जो है हम 10 लाख हेक्टर जो कि 1 मिलियन हेक्टर कवर करें सब लोग मिलकर। आज 28 कंपनीज में काम कर रहा है। अब जरा सौगता जी, आप बताइए कि आपकी कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग पाम प्लांटेशन को लेकर, पाम ट्रेडिंग को लेकर क्या है? हम सरकार के साथ काफ़ी क्लोजली काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो इस पर्टिकुलर टारगेट है वो हमारे भी टारगेट मानते हैं हम, और ये जो हमारी अभी तेज़ी आया है मैं बता रहा था 7,000 हेक्टर से 15,000 हेक्टर, ये अभी कंटिन्यू लागू रहेगा और मेरे हिसाब से तो 28-29 तक हम मिनिमम 50-60,000 हेक्टर और ऐड कर लेंगे। और अगर ये रफ्तार से हम मुझे लगता है भाई ये जो मिशन है 2030, आज के डेट में हम 1,20,000 टन जो है CPO बनाते हैं तो 2030 तक हम जरूर 3 लाख क्रॉस कर जाएंगे। तो हमने आपको मलेशिया से एक लंबी और बड़ी सीरीज के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि पाम तेल की पूरी कहानी है क्या, पाम तेल कैसे बनता है, पाम की खेती कैसे होती है, पाम के अलग अलग इस्तेमाल क्या हैं, ना सिर्फ खाने में बल्कि नॉन फूड में
और साथ ही भारत और मलेशिया के बीच पाम तेल को लेकर किस तरह के व्यापारिक रिश्ते हैं, भारत मलेशिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, मलेशिया भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हमने आपको डिटेल में बताने की समझाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि ये लंबी सीरीज आपको पसंद आई होगी, पाम तेल के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और पाम तेल को लेकर जो आपके मन में कन्फ्यूज़न है, जो मिथ है, वो दूर हुआ होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। आगे हम आपके लिए ऐसी ही कुछ अच्छी सीरीज लेकर आएंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।